ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना से गांवों में 3500 कूप बनवाएगा। किसानों को 100 दिनों का रोजगार भी मिलेगा। जिले के किसानों को कुआं निर्माण के साथ 100 दिनों का रोजगार भी मिलेगा। इसको लेकर जिला ग्रामीण विकास विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। राज्य सरकार की बिरसा मुंडा कूप संवर्धन योजना से धनबाद जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3921 बड़े कूप का निर्माण किया जाना है। ये सभी कुओं का निर्माण मनरेगा योजना से किया जाएगा। जिला ग्रामीण विकास विभाग के जिला परियोजना पदाधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि प्रत्येक कुएं के निर्माण पर 3,95,000 रुपए का खर्च की योजना है। राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तहत 3,506 कुप निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। कुआं निर्माण के लिए लाभुकों को जमीन मुहैया कराना है। कुआं निर्माण पर खर्च की सारी राशि राज्य सरकार देगी। एक कुआं निर्माण में तकरीबन 3 महीने का समय लग सकता है। लाभुक कितने दिनों तक कुआं निर्माण में जितने दिनों तक काम करेंगे निर्धारित पारिश्रमिक भुगतान भी किया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड प्राप्त जो भी श्रमिक कुआं निर्माण में काम करेंगे उन्हें मनरेगा द्वारा निर्धारित मजदूरी भुगतान किया जाएगा। कुआं निर्माण के बाद उसे लाभुकों को सिंचाई के लिए हैंडओवर कर दिया जाएगा ताकि इस कुआं से आसपास के खेतों में फसल उत्पादन कर सकें। सब्सिडी दर पर बैंक लोन के माध्यम से सिंचाई के लिए मोटर पंप भी दिया जाएगा। जिला ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार कुआं से सिंचाई के लिए किसानों को सब्सिडी दर पर बैंक लोन के माध्यम से मोटर पंप भी दिया जाएगा। किसानों को भूमि संरक्षण विभाग में मोटर पंप के लिए आवेदन करना होगा। विभाग स्थल निरीक्षण के बाद संबंधित बैंक को लोन के लिए अनुमोदन करेगा। इस आधार पर किसानों को बैंक से लोन मिलेगा। गोविंदपुर बागमारा तोपचाची व टुंडी में सबसे ज्यादा कूप निर्माण का रखा गया है लक्ष्य। बिरसा मुंडा कूप संवर्धन योजना के तहत धनबाद जिले के 5 प्रखंडों में सबसे ज्यादा कूप निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें गोविंदपुर प्रखंड में 762, बागमारा में 671, टुंडी प्रखंड में 536, तोपचांची प्रखंड में 428 और कलियासोल प्रखंड में 409 कुएं का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। विभाग के अनुसार इनमें 21 कुएं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इनमें बलियापुर में 1, गोविंदपुर और टुंडी में 9-9 तथा निरसा प्रखंड में 2 कुएं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निर्माण वाले सभी कुआं लाभुकों को हैंडओवर कर दिया गया है। प्रत्येक कुएं से 2-3 एकड़ खेत में सिंचाई की सुविधा मिल सकती है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।